हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खूबसूरत ट्रिक बता रहा हूं जो कि सीलाइन के मुतालिक है। फ्रेंड्स, अगर आप सीलाइन यूज़र हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फ्रेंड्स, आज मैं अपने काम से जब फारिग होकर घर आया तो मैंने सीलाइन को कनेक्ट करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरी सीलाइन में बहुत बफरिंग हो रही थी और चैनल भी स्क्रैम्बल मोड में आ रहे थे। फ्रेंड्स, पहले मेरी सीलाइन इतनी बफरिंग नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने देखा कि ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही थी, तो मैंने एक ट्रिक सोची और मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया तो मुझे कामयाबी मिली। और मैंने सोचा कि ये ट्रिक मैं अपने दोस्तों से शेयर करूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आज बना ली। फ्रेंड्स, अब भी आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही है और स्क्रैम्बल चैनल का निशान बार बार आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप मेरा वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन लाइक बहुत कम आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइक्स आ जाएंगी तो मेरा हौसला और भी बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो केबल आप देख रहे हैं दरअसल एक एंटीना है जो PTCL वी वायरलेस में काम आती है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास वी वायरलेस हो और उसी की एंटीना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एंटीना इंटरनेट के सिग्नल्स को बढ़ाने और उसको स्ट्रांग करने में काम आती है। फ्रेंड्स, ये एंटीना मैंने अपने एक फ्रेंड से ली है। दोस्तों, आप इस एंटीना की केबल के जेक को देखें, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपके रिसीवर में जो एंटीना लगी हुई है बिल्कुल उसी तरह है। और आप इस एंटीना को बाहर बरामदे या दालान में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बाहर लगाने की कोशिश करें ताकि आपके सिग्नल प्रॉपरली तरीके से हासिल हो जाएं, क्योंकि अगर सिग्नल स्ट्रांग होंगे तो आपकी बफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बताया कि मैं अपनी हर वीडियो सबूत के साथ दिखाता हूं। फ्रेंड्स, मैंने ये देखे अपने रिसीवर में ये जो उसकी एंटीना लगी हुई है उसे मैं निकाल रहा हूं और उसके बाद आप इस रिसीवर को देखते हैं। मैं इसमें काफ़ी वीडियो आपको बनाकर दिखाता हूं। ये वही ब्लैक मेन्यू वाला रिसीवर है। फ्रेंड्स, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके लिए और आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूं। फ्रेंड्स, इस एंटीना के स्क्रू जैक को देखें और मैं आपको केबल वाले स्क्रू जैक भी दिखाता हूं। ये बिल्कुल सेम टू सेम हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये केबल किसी भी शॉप से लें तो इस स्क्रू जैक का ज़रूर ख्याल रखिए कि ये इसी डंडी वाली स्क्रू जैक जैसा हो। फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसकी कीमत पाकिस्तान में तो 500 से 600 तक होगी। फ्रेंड्स, अब मैं इस स्क्रू जैक को अपने रिसीवर में लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, दरअसल मेरा रिसीवर मेरे लिविंग रूम में रखा हुआ है तो यहां पर मुझे सिग्नल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है और अगर रिसीवर में इंटरनेट फास्ट होगी तो बफरिंग भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, कभी कभार तो बहुत बफरिंग होती है तो मैंने इसी तरह करता रहता हूं। फ्रेंड्स, अब आप इस केबल को देखें, मैंने ये अपने
बरामदे में लगाई हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं इसको आपको उतार कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये किसी भी जुगाड़ का तरीका नहीं है, फ्रेंड्स ये हकीकत है। फ्रेंड्स, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी पर बनाता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैंने इस एंटीना को इसी बोर्ड के ज़रिए थोड़ा मजबूत कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप भी ये एंटीना लगाएं तो उसे थोड़ा मजबूत कर दें। और अब मैं आपको इसकी केबल दिखाता हूं जो बिल्कुल क्लियरली रिसीवर में मैंने लगाई है, आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो पहले भी, लेकिन काफ़ी दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि आप इसमें उर्दू के साथ हमें बताएं तो बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, अब मैं रिसीवर सेटिंग में वापस आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस मूवी और इस चैनल को देख रहे हैं तो ये वही चैनल और ये वही मूवी है। ये बफरिंग अब बिल्कुल नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके के बाद 80% बफरिंग पर काबू पा लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं आपकी भरपूर हेल्प करूँगा। फ्रेंड्स, किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।